छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक नाबालिग युवती राजस्थान के एक युवक के प्यार में पागल होकर घर छोड़कर धौलपुर पहुंची, लेकिन यहां पहुंचने पर उसे ठगे जाने का मामला सामने आया है। युवती के धौलपुर पहुंचने के बाद युवती के कथित प्रेमी ने फोन ऑफ कर लिया और युवती को लेने नहीं पहुंचा। मामले के मुताबिक धौलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरी नाबालिग लड़की जिस प्रेमी के भरोसे अपना घर छोड़कर भाग निकली थी, उस प्रेमी ने पैसे और जेवर साथ में नहीं लाने के चलते प्रेमिका का फोन नहीं उठाया और उसे रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया। नाबालिग युवती 11वीं क्लास में पढ़ती है और वह धौलपुर को आगरा समझकर उतर गई और रेलवे स्टेशन पर अपने प्रेमी के इंतजार करने लगी, लेकिन प्रेमी ने फोन बंद कर दिया था। वहीं काफ़ी देर इंतजार करने के बाद युवती स्टेशन पर ही रोने लगी, जिसे देखकर चाइल्ड हेल्पलाइन ने नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसे समझाया और नाबालिग युवती के परिजनों से संपर्क किया। बाल कल्याण समिति ने लड़की की काउंसलिंग कर उससे प्रेमी और परिजनों के बारे में जानकारी ली। समिति के लोगों ने नाबालिग के परिजनों से फोन पर संपर्क किया। वहीं समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर ने बालिका को सखी वन स्टॉप सेंटर पहुँचाया, जहाँ छत्तीसगढ़ से उसके परिजनों को भी बुलाया गया। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए धौलपुर CWUC को नाबालिग लड़की के परिजनों ने बताया कि उन्होंने इस बारे में संबंधित पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बेटी के अपहरण का मामला पहले से ही दर्ज करवा रखा है। परिजनों ने जानकारी दी कि उनकी नाबालिग बेटी सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटी। इस घटना पर CWUC सदस्य गिरीश गुर्जर ने नाबालिग की काउंसलिंग की, जिस दौरान लड़की ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उसके प्रेमी ने उसे फोन किया और पूछा कि क्या तुम घर से किराए के अलावा कुछ दिन रहने और खाने के पैसे लेकर आई हो। इसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी को कहा कि वह जल्दबाजी में घर से निकली है, जिसके कारण उसके पास पैसे नहीं हैं। बस इतना सुनने के बाद उसके प्रेमी ने फोन काट दिया और फोन बंद कर लिया। बाल कल्याण समिति को यह भी पता चला है कि नाबालिग युवती और उसके प्रेमी ने आगरा में एक किराए के मकान में रहने की योजना भी बनाई थी। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।